शहर के एसएससी अस्पताल में बनाए गए मिल्क बैंक की हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर देवेश्वर ने मुलाकात ली। शहर के सबसे बड़े अस्पताल एसएससी अस्पताल में नवजात बच्चों के लिए मिल्क बैंक की स्थापना की गई है। इस बैंक में माता के दूध को प्रोसेस कर सुरक्षित स्टोर किया जाएगा। यह दूध 2 महीनों तक इस्तेमाल में लिया जा सकता है। नवजात बच्चों में कुपोषण का प्रमाण बढ़ रहा है, जिसको घटाने के लिए राज्य सरकार की एक नई पहल है और इसी के तहत शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएससी अस्पताल में यह मिल्क बैंक की स्थापना की गई है। इस मिल्क बैंक का जायजा लेने के लिए हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजीव देवेश्वर कल मिल्क बैंक पहुंचे थे और उन्होंने सभी चीजों का जायजा लिया था। आज अपने ह्यूमन मिल्क बैंक नी मुलाकात लीधी है। आ मने जणावता हर्ष थाय छे कि आपणे ह्यूमन मिल्क बैंक एटले मधर्स मिल्क जे छे ए आपणे शुरू करी दीधी छे एसएसजी हॉस्पिटल खाते। अहीं माताओ आवे छे अने मशीनथी एमनू मिल्क मिल्किंग करवामां आवे छे अने एना पछी एने आपणे डीप फ्रीज करीए छे अने टूंक समय में अमे पाश्चराइजेशन पण चालू करीशुं जे 2 दिवस में थई जशे अने एना पछी ए जे मिल्क छे ए आपणे 2 થી 3 મહિના सुधी एने आपणे यूज करी शकीए। एटले प्रोसिजर सेम छे जेवी रीते ब्लड बैंक में होय ए रीते ज आनी अंदर बधी प्रोसिजर थाय। कंसेंट लेवामां आवे, एनुं कल्चर करवामां आवे, जोवामां आवे के एमां कोई रोगाणु तो नथी ने, अने एना पछी ज बाळकने आपवामां आवे छे। આનાથી ફાયદો એવું થયો છે કે ઘણા મધર્સને મિલ્ક નીકળતું ના હોય, એમને તકલીફ હોય મિલ્ક આપવામાં, પ્લસ ઘણા આપણે બીજાને પણ આપી શકીએ, એક મધરનું મિલ્ક આપણે બીજાને પણ આપણે આપી શકીએ, એટલે એવા કેસીસમાં આનું આપણે ખાસ જરૂર પડશે।